शांति जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी सिक्स्थ डे। हाँ, तो आंटी ओम मंडली बनाई गई थी और उसके प्रधान थे वह मुखी मंगाराम जी, जिनके भड़काए जाने का वृत्तांत हम ऊपर लिख आए हैं। इन्हीं मुखी मंगाराम जी के पुत्र की धर्म पत्नी दादा की अपनी बड़ी लड़की थी। कुछ घरेलू खटपट तथा दुर्व्यवहार के कारण दादा की वह पुत्री अपने पिताजी के यहाँ चली आई थी। अतः मुखी मंगाराम जी बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने अपना साथी बनाया एक अन्य सेठ को। उस सेठ के एक पुत्र की मृत्यु होने के बाद उसकी बहू से जायदाद के बंटवारे के विषय में कुछ झगड़ा था। सेठ की वह बहू दादा के सत्संग में आती थी और वे ओम मंडली के निकट ही एक बिल्डिंग में रहती थी। वह सेठ दादाजी का एक मित्र था और प्रशंसक भी था। उसने दादा को कहा कि वह उसकी उस बहू पर दबाव डाले कि वह वापस उसके घर में जाकर रहे और जायदाद के बंटवारे का प्रश्न छोड़ दे। दादा ने इस बात से इनकार किया, क्योंकि एक तो यह उनका अपना निजी घरेलू झगड़ा था जिसमें दादा ने हस्तक्षेप करना अनुचित समझा, और दूसरा उस बहू का जो कानूनी अधिकार था वह तो उसे मिलना ही चाहिए था। अपना अधिकार मांगने के लिए उसे रोकना दादा को एक अन्याय करने जैसा कर्म मालूम होता था। परंतु उस सेठ को यह आशा न थी कि दादा, जो कि उसके पुराने मित्र थे, उन्हें इनकार कर देंगे। अतः वह भी बहुत क्रोधाविंत थे। अतः मुखी मंगाराम जी ने तथा उस सेठ ने ओम मंडली को नीचा दिखाने की बात सोची। उस सेठ ने इस कार्य के लिए एंटी ओम मंडली को काफी आर्थिक सहयोग दिया। कुछ दिन पहले तक जो मुखी व सेठ ओम मंडली के सत्संग में आते थे और ज्ञान अमृत पीते थे, अब उन्होंने शास्त्र प्रसिद्ध राहु जैसा पाठ बजाने की ठान ली। एंटी ओम मंडली का विशेष उद्देश्य यही था कि यदि दादा अथवा ओम मंडली संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा के प्रचार से न टले तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। एंटी ओम मंडली ने लोगों पर दबाव डाला और इसके परिणाम स्वरूप जो कन्याएं व माताएं ओम मंडली में सत्संग के लिए आती थी, उन्हें उनके माता पिता, सास ससुर या पति आदि ने पांच पांच सात सात ताले लगाकर कोठरियों में बंद कर दिया और उन पर सख्त पहरा रखा जाने लगा। उनके साथ ऐसी निर्दयता से व्यवहार किया जाने लगा कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पवित्रता की प्रबल शिक्षा देने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रेरणादायक संदेश देने वाले तथा दृढ़ मनसा से उच्च आदर्शों की स्थापना करने वाले तथा किसी नवीन विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों पर
इस प्रकार के अत्याचार पहले भी होते आए हैं, इतिहास इस बात का साक्षी है। परंतु लोग इतिहास के इस पाठ से लाभ नहीं उठाते और फिर ऐसी परिस्थिति सामने आने पर अपनी असहिष्णुता का, रूढ़िवादिता का तथा बर्बरता का पाठ फिर दोहराते हैं। अभी 100 वर्ष ही हुए हैं कि लोगों ने स्वामी दयानंद की स्पष्टवादिता के विरुद्ध किए गए प्रचार तथा सदाचार युक्त जीवन के लिए दी गई शिक्षा के लिए उन पर जगह जगह पत्थर बरसाए, उन्हें डराया धमकाया और अंत में एक व्यक्ति ने उन्हें विष देकर उनका जीवन भी ले लिया। हजरत ईसा के पवित्र आदेशों उपदेशों का स्वागत लोगों ने उन्हें शूली पर चढ़ाकर किया। हजरत इब्राहिम ने जब लोगों को ये शिक्षा दी कि वे जड़ भूतों को देवता मानकर उनकी पूजा करने के बजाय एक परमात्मा को याद करें, तो उन्हें लोगों का कड़ा विरोध सहन करना पड़ा। जब महात्मा बुद्ध ने वर्ग भेद और जाति पांति के भेद को मिटाने तथा सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार इत्यादि का उपदेश किया, तो उसके चचेरे भाई ने और कर्मकांडी पंडितों ने उनका कड़ा विरोध किया। जब हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कुरीतियों से भरे समाज के सुधार का यत्न किया, तो लोगों ने इतना झगड़ा किया कि आखिर उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। जब मंसूर ने अनलहक का नारा लगाया, तो सभी जानते हैं कि उसके साथ क्या बीती। सिख लोग अपने गुरुओं के साथ हुए अत्याचारों का वर्णन गुरुद्वारों में इन शब्दों में किया करते हैं। आड़िया नाल छिड़वाए गए, रेता विच तपाए गए, खुला नुचवाइया गईया, चरखिया ने चरखिया ते चढ़ाए गए, पर उन्होंने सी नहीं कीती। इतिहास में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मुगलों के जमाने में नानक देव जी को पकड़कर उन्हें मजदूरी का काम करने पर लगा दिया गया। तेग बहादुर जी का भी शीश काट दिया गया, वीर वैरानी का भी खाल उतार दी गई, गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, मीरा को भी गिरधर के साथ प्रेम करने के कारण विष का प्याला पीना पड़ा था। पुराने जमाने की बात क्या करें, अभी 50 वर्ष ही तो हुए हैं कि अहिंसा सत्य और ब्रह्मचर्य के पुजारी तथा प्रचारक तथा स्वतंत्रता के लिए देश के नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी को भी गोली का निशाना बनाकर उनकी हत्या कर डाली गई थी। केवल धर्म की बलिवेदी पर लोगों को कष्ट सहन नहीं करने पड़े, बल्कि वैसे भी जब जब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने समाज को कोई नया सिद्धांत दिया, चाहे वह सिद्धांत कितना सच क्यों ना हो, लोगों ने उस व्यक्ति को भी आड़े हाथों लिया। उदाहरण के तौर पर जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल आकार वाली है, तो बाइबल को मानने वाले पुराने पंथी लोगों ने उन्हें नास्तिक अथवा काफिर बताकर उन पर बहुत सितम ढाए। उस ऐसे उदाहरण से तो इतिहास भरा पड़ा है, कहां तक वर्णन करें। वास्तव में बात यह है कि जनता का यह स्वभाव कि वह एक तो इस बात को भूल जाती है कि एक व्यक्ति डाकू से बदलकर वाल्मीकि बन सकता है, स्त्री की काया के मोह जाल में फंसे तुलसी की तरह बदलकर रामायण जैसा काव्य रच सकता है, कबीर की तरह जुलाहा अथवा निम्न जाति का होकर भी समाज को कोई अच्छा पाठ पढ़ा सकता है, भर्तृहरि की तरह राजभाग छोड़कर भी वैराग्य वृत्ति को धारण कर सकता है, बाल अवस्था में मन को कोई बात अच्छी लग जाने पर हकीकत राय की तरह और गोविंद सिंह जी के पुत्रों की तरह अत्याचार एवं कष्ट सहन करने के लिए भी दृढ़ संकल्प वाला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जनता एक पिटे पिटाए मार्ग पर ही सदा चलना चाहती है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति परिश्रम से कोई अन्य छोटा और अच्छा मार्ग बनाकर उन्हें अपने अनुभव के आधार पर उस मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करने के लिए प्रेरित करे, तो भी जनता को संकोच होता है।
इसलिए जनता की भेड़ चाल प्रसिद्ध है। इसलिए ही समाज को मोड़ने के लिए सुधारकों को काफी विरोध और कष्ट सहन करने ही पड़ते हैं और कड़ी आलोचना तथा आरोपों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जनता की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है कि वह किसी द्वारा की गई भलाई को, उसके अच्छे कार्य को, उस द्वारा किए गए उपकार को शीघ्र ही भूल जाया करती है और उसे दूसरों की पलकों में तिनका भी शतीर की तरह दिखाई देने लगता है और वह बुलियार स्वार्थी पुराने पंथी तथा आतंक ढाने वाले लोगों का जल्दी साथ दे दिया करती है अथवा उन्हें अपना साथी बना लिया करती है। बस ठीक यही बात ओम मंडली तथा बाबा के साथ हुई। लोगों ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि दादा, जो कि स्वयं एक गृहस्थ और व्यापारी थे, उन्होंने स्वयं किससे पवित्रता अथवा संपूर्ण ब्रह्मचर्य का यह पाठ पढ़ा और दादाजी को जो दिव्य साक्षात्कार हुए वह साक्षात्कार कराने वाली शक्ति कौन सी थी। जो माताएं पहले घर में घूंघट ओढ़े चार दीवारी में पिंजरे के पंछी की तरह कैद रहती थी और बेजुबान थी, उन्हें उच्च ज्ञान का कथन करना किसने सिखा दिया था और उनके इतना आत्मिक बल किसने दिया था। दादा को कलियुगी सृष्टि के महाविनाश और सत्युगी श्री कृष्ण राज्य की सृष्टि के जो दिव्य साक्षात्कार हुए थे, उनका संपूर्ण उल्लेख क्या था और उस पूर्व दृष्टि के अनुसार जब व्यक्ति का तथा समाज का क्या कर्तव्य था। लोगों को तो चर्म चक्षुओं से साधारण सा मनुष्य दादा लेखराज ही दिखाई देता था। दादाजी के तन में प्रवेश करके ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा शिव को तो वे देख ही न सकते थे, क्योंकि प्रभु का दिव्य अस्तित्व तो दिव्य दृष्टि से ही जाना जा सकता है, जबकि उन लोगों में दिव्य दृष्टि का अभाव था। अतः वे अपने संस्कारों, मान्यताओं तथा आदतों से मजबूर थे। दूसरी ओर स्वयं दादा ईश्वरीय शक्ति के सामने मजबूर थे। ऐसी परिस्थिति में वह प्रायः सिंधी में एक मुहावरा कहते थे, वाट वेंदे बांबण फतो। इसका भाव यह था कि जैसे अपनी राह जाते हुए किसी ब्राह्मण को खाम खा किसी कार्य में कोई बांध ले, वैसे ही मेरे साथ हुआ है। दादा तो अपने गृहस्थ तथा व्यापार में व्यस्त रहते थे, परंतु परमपिता परमात्मा शिव ने तो उनमें दिव्य प्रवेश करके उनके मुख द्वारा पवित्र जीवन का पाठ पढ़ाया था। अतः दादा उन लोगों को दोषी नहीं मानते थे, बल्कि कहते थे कि इन्हें परमपिता परमात्मा की पहचान नहीं है, इसलिए ही ये लोग वैर विरोध करते हैं। ये लोग इस भ्रांति में हैं कि मैं कार्य करा रहा हूं, इन्हें यह तो मालूम ही नहीं है कि मैं स्वयं भी ईश्वरीय बंधन में बंधा हुआ हूँ। परमात्मा का अपना तो कोई तन है नहीं, इसलिए जब वह मेरे तन में आकर के इन्हीं के कल्याण के लिए इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा देते हैं, तो ये अपने सामने मुझे देखकर मुझ पर ही गाली रूप फूल चढ़ाते हैं। इनका दोष नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसे ग्रंथ और शास्त्र पढ़ाए गए हैं जिनमें लिखा है कि ब्रह्मा सरस्वती पर मोहित हो गया, शंकर मोहिनी को देखकर कामातुर हो गया, श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के चीर हरण किए आदि आदि, और ऐसे ऐसे आख्यान अथवा कथानक सुन संसार में यह काम विकार की रीति रसम तो सदा से चली आई है। काम महाशत्रु है, यह पाठ अब वे बिल्कुल भूल चुके हैं। अतः कोई बात नहीं है, बाबा यह भी कहा करते थे कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। ये लोग जानते ही नहीं कि मेरे द्वारा कौन इनको और मुझे भी शिक्षा दे रहा है। ओम मंडली में आने वाले नर नारी भी अपने अनुभव के आधार पर यह गीत गाते थे, शो जहां शुद्ध सेवा करने दादा को क्षेत्र बनाया, अपने को छिपाया, अज्ञान अंधेरे में सोते थे सब, पांच विकारों में रोते थे सब, दे अभिमान में खोए थे सब, मोह माया के ममताओं को उस प्रभु ने आज जगाया, ज्ञान से आन जगाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया,
हरा भरा गुलजार खिला है, विराट सृष्टि का खेल खिला है। देख देख अतेंद्र सुख होवत, अखियन ज्योति जगाया। शाह जहान शुद्ध सेवा करने, दादा को क्षेत्र बनाया, अपने आप को है छिपाया। परंतु दूसरी ओर एंटियो मंडली के दबाव के कारण दिनों दिन लोगों में जोश बढ़ता था और वे कन्याओं और माताओं पर अधिकाधिक अत्याचार करने लगे थे। मारने पीटने के अतिरिक्त वे जबरदस्ती उनको सुअर आदि आदि का मांस खिलाकर उन्हें धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते थे। वे जादूगरों को बुलाकर कहते थे कि इस कन्या या माता पर शायद जादू हो गया है, इस पर हुआ जादू उतार दो। वे उनको चारपाइयों से बांधकर, उनके हाथों को पाओ के नीचे दबाकर स्वयं चारपाई पर चढ़ बैठते थे और कई दिन तक उन्हें कमरे में बंद कर देते थे। कुछ एक कन्याओं के हाथों पर उनके संबंधियों ने बहुत निर्दयता से हावन वाले दस्ते भी मारे थे। ओ, हर एक बंद की गई कन्या माता की एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसका यदि उल्लेख किया जाए तो सुनने पढ़ने वालों की आंखों से आंसुओं की अटूट धारा बहने लगेगी। वे सोचेंगे कि क्या ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए इन्हें इतना सहन करना पड़ा। पुरुष लोग यदि पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तब वे तो घर बार छोड़कर संन्यास करके स्त्री को विधवा और बच्चों को यतीम बनाकर चले जाते हैं। परंतु कन्याएं माताएं यदि घर में रहते हुए सेवा करते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे तो क्या उन देवियों शक्तियों पर ऐसा जुल्म व सितम। हाँ, अब तक तो संसार की ऐसी ही चल रही है। लोग एक ओर तो हर वर्ष नवरात्रि के पूर्व में पवित्र कन्याओं को जगदम्बा मानकर पूजते हैं और उनके चरण धोते हैं, और जब प्रैक्टिकल रीति कन्याएं इस उत्तम व्रत का मनसा वाचा कर्मणा पालन करके उस पवित्र पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती हैं, तो वे उनके हाथों पर हथौड़े मारते और उन्हें एक पशु की तरह मोटी मोटी जंजीरों से बांध देते हैं। वारे इंसान, तू अपनी दौलत और जवानी के नशे में चूर होकर इतने अत्याचार करता है कि तुझे नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई का भी भेद भूल जाता है। तुझे यह भी ख्याल नहीं रहता कि आखिर एक दिन यह सब मिट्टी में मिल जाना है। गरीब और अबला माताओं पर तू इतना अत्याचार करता है, कवि के इन वचनों पर ध्यान नहीं देता। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया में रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा, माटी ही घर और सब माटी, माटी का तन बन जाएगा। हाँ, माटी में सब मिल जाएगा। ऊंचे आसमान से भी ऊंची तेरी आस है, पर कभी सोचा नहीं गिनती के तेरे श्वास हैं। इसका तू हिसाब कर, अंगूठा अंगुलियों पे रख, कितने खर्च कर रहा है भलाई में, कितना तू लगा रहा है बुराई में। भलाई का फल रह जाएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा। उन अत्याचारों के विषय में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी, जो कि वर्तमान समय कानपुर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज है, वे लिखती हैं, मैं जब से उमंडली में जाने लगी तब से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ती ही जाती थी। वहां का वातावरण ही ऐसा शुद्ध होता था कि आत्मा को शांति का अनुभव होता था। अंतर आत्मा में ऐसा महसूस होता था कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही है। ओम मंडली में जो ज्ञान दिया जाता था उसमें मन विषय विकारों से हट जाता था और नेकी और पवित्रता के मार्ग पर लग जाता था। वहां ज्ञान अमृत का प्याला पीने वाले स्वयं को देह रूपी मिट्टी का पुतला नहीं मानते थे, बल्कि अविनाशी आत्मा मानते थे। वहां इस प्रकार के गीत गाए जाते थे, बंदे देह का अभिमान तोड़, देह का अभिमान तोड़, देह से नाता जोड़, देही से नाता जोड़, अब आयु तेरी क्षण भंगुर, यहाँ देह से नाता तोड़, देही से नाता जोड़, आयु तेरी क्षण पल घड़िया, माया से नाता तोड़, बंदे प्रभु से नाता जोड़, न कोई तेरा संगी साथी, फिर पर तन चोरी क्यों हो जाती, मिलना है तो प्रभु से मिल ले, मिलना है तो अहम से मिल ले, देही से नाता जोड़, बंदे देही से नाता जोड़, अहम ने निज का घर बनवाया, इसमें अपने आप बिठाया,
बंदे देह का भान अब तोड़। अहम ने अपने मम को बनाया, मम में अपने को है बिठाया। मम से विलग होकर बंदे अहम से नाता जोड़, बंदे प्रभु से नाता जोड़। अतः हम देह अभिमान को छोड़कर देही निश्चय बनने का अभ्यास करती थी। इसके फलस्वरूप हमारी उपराम वृत्ति और ईश्वरीय लगन को देखकर हमारे लौकिक संबंधी घबराने लगे। वे सोचने लगे कि यदि ये इन्हीं बातों में रमण करती रहेंगी तो न मालूम आगे चलकर क्या होगा, इसलिए इस मार्ग से इसे हटाना चाहिए। उन्हें ओम मंडली में जाने वाली अन्य कन्याओं माताओं तथा पुरुषों के संबंधियों से भी यही मालूम हुआ था कि ओम मंडली में जाने वाले नर नारी विषय विकारों को छोड़ देते हैं और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। जब हमारी माता जी को तथा हमारे भाई बंधुओं को आसुरी स्वभाव के लोगों ने भड़काया और उन पर दबाव डाला तो इन्हें ओम मंडली में जाने से रोको। वे कहते थे ये लोग विषय भोग नहीं करेंगी तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी, यह तो कोई निराला ही सत्संग है जहां जाने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं, अतः इन्हें सत्संग में नहीं जाने देना चाहिए। ये लोग पागल हैं जो सत्संग में पवित्रता की चर्चा सुनकर ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करने लग जाते हैं। इस प्रकार कई गंदे संस्कारों के लोग हमें पागल समझते थे, परंतु हम अपने मन में उन्हें पागल समझती थी, क्योंकि वे प्रतिदिन ओम जय जगदीश हरे इस प्रकार आरती करते हुए विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा गाते तो थे और मूर्ख खल कामी भी स्वयं को मानते थे, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में काम मा शत्रु को छोड़ते नहीं थे। वे भगवान की मूर्ति के सामने तो स्वयं ही को मूर्ख खल कामी मानते थे, परंतु घर में आकर हमें जो कि काम विकार को नरक का द्वार मानती थी उन्हें पागल कहते थे। उस समय हमारे मन में यह आवाज उठती थी, बंदे कहते मुझको पागल, मैं कहती हूँ बंदे पागल। अहम आत्म निश्चय मुझको माया इन्हें भरमाती है। कौड़ी बिना मैं बादशाह, वे माया के पीछे मरते हैं। वे काम क्रोध को छोड़ न सकते, अब इसमें भी झगड़ते हैं। देही अभिमानी जीवन धन मोरा, ओम का ताज है मेरे सिर पर। देह अभिमानी गुलाम बने हैं, माया की टोपी उनके सिर पर। ज्ञान सरोवर नहाती मैं, वे विषय गर्त में गरते हैं। दैवी जन्म है मुझको हासिल, वे दुखी हो भटकते हैं। अतः हम उनको कहती थी आप हमें सत्संग में जाने से क्यों रोकते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई बुराई आई हो तो आप बताइए। हम घर का सारा कामकाज करती हैं, फैशन नहीं करती हैं, सिनेमा नहीं जाती हैं, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करती हैं, किसी से लड़ती झगड़ती या फालतू घूमती भी नहीं है। आपने हम में क्या बुराई देखी है कि आप सत्संग में जाने से हमें रोकते हैं। वे हम में कोई बुराई तो बता ना पाते, उनके मन में तो बस यही था कि यह निर्विकार बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं और हमें इसका विवाह अवश्य कराना है। अतः उन्होंने मुझे अब सत्संग में जाने से रोकना शुरू किया। उन्होंने कई बार कोठरी में बंद करते ताला लगाया और कई बार खाना नहीं दिया, कई बार मारा भी, परंतु हमें जो अविनाशी सुख का आधार मिला था हम उसे छोड़ कैसे सकती थी। हम फिर ओम मंडली के सत्संग में जाती थी। हमारे मन में तो ये शब्द गूंजते थे, ओम मंडली की गत न्यारी बहनों, मंडली की गत न्यारी, ओम मंडली जब से निकली गीता ज्ञान की सुगंधी फैली। अतः हम अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कहती थी कि भोजन न खाने के बिना तो हम रह सकती हैं, परंतु हम ज्ञान अमृत पिए बिना रह नहीं सकते, इसलिए आप हमें सत्संग में जाने दिया करो। उन्होंने देखा कि यह टलती नहीं है, अतः उन्होंने एक जादू टोने वाले को बुलाकर कहा कि इस पर जादू हो गया है, इस पर से जादू उतारो। उसने जादू निकालने की कोशिश की, कई मंत्र पढ़े और घोलकर मुझे जबरदस्ती पिलाए, परंतु ईश्वरीय जादू के आगे मनुष्य का जादू कहाँ काम कर सकता था। आखिर उसने अपने मन में हार मान ली, क्योंकि वह समझ गया कि इसकी तो प्रभु से सच्ची प्रीत लगी है। अब हमारे लौकिक संबंधियों को हम पर बहुत गुस्सा था। हम ओम मंडली से ईश्वरीय ज्ञान के जो लिखित
पन्ने ले आती थी जिन्हें की हम वाणी या मुरली कहती थी, मुझे पढ़ने नहीं देते। मैं शांत समाधि में बैठती थी तो भी वे विघ्न डालते थे और नहीं बैठने देते थे। वे मुझ पर बहुत सितम ढाते थे, परंतु वे हम पर जितना जितना अत्याचार करते थे उतना उतना हमें ऐसा महसूस होता था कि ये सब स्वार्थ के संबंध है। हम सोचते थे कि पिता नहीं, ये किस प्रकार के लोग हैं, ये कैसा जमाना है, ये कैसा संसार है, क्या इनको ज्ञान अमृत अच्छा नहीं लगता, इन्हें विषय विकारों की मोहिनी माया ने इतना मोहित कर लिया है। तब हमारे मन में यह पद मुखारित हो उठते, अहो माया पुरुषों को क्यों नचाती हो, पिलाकर विषय रस बोतल विकारी क्यों बनाती हो, अजब इसरार तेरी फांसी, भुलाया सबने है निज देश, फंसा कर मोह अपने में दुखी दुख की चक्की में पिसाती हो। तब हमें श्रीमद् भागवत में गोपियों के चरित्र याद आते जो कि हम बचपन से ही सुनती चली आ रही थी। उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान की मुरलियां सुनकर गोपियां मस्त हो जाती थी और वे भाग कर वहां पहुंच जाती थी, परंतु उनके लौकिक संबंधी पुरुष आदि उन्हें रोकते थे। जब हम ये वृत्तांत पढ़कर सोचा करती थी, क्या गोपियों को भगवान की बांसुरी सुनाई देती थी, उनके संबंधियों पुरुषों आदि को सुनाई नहीं देती थी या रसीली नहीं मालूम होती थी। अब हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जाना कि हम तो ज्ञान मुरली को सुनकर अतीन्द्रिय सुख से फूली नहीं समाती हैं, परंतु हमारे लौकिक संबंधी भाई बंधव आदि हमें मुरली सुनने के लिए जाने से रोकते हैं। अतः हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझती थी कि हम वही ज्ञान गोपिकाएं हैं। अतः स्वयं ज्ञान अमृत न पीने के कारण हमारे लौकिक संबंधी हम पर जो अत्याचार करते थे उसे हम खुशी खुशी सहन करती थी। उन अत्याचारों की कहानी तो बहुत लंबी है। एक दिन मेरी लौकिक माताजी को विचार आया कि इस कन्या का विवाह कर दिया जाए ताकि इसका मन सत्संग से हटकर संसार की बातों की ओर, खाने पीने पहनने और भोगने की ओर लग जाए। परंतु मैं तो विकारी शादी को बर्बादी मानती थी, अतः मैंने उन्हें कहा, माताजी मैं तो ज्ञान मीरा हूँ, मेरा तो एक गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है, मैं तो उसी की हो चुकी हूँ, मेरे मन की सगाई प्रभु से हो चुकी है, अब दूसरे किसी से नहीं होगी, मैंने तो मन में मोहन को बसा लिया है, अब दूसरे किसी के लिए स्थान ही कहाँ रहा है। मेरी ये बातें सुनकर मेरी लौकिक संबंधियों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक बार तो ऐसा मारा कि क्या कहूं। वे बोले, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी तब तक तुम्हें मारेंगे और मार मार कर तुम्हें खत्म कर देंगे। बोलो अपने मुख से कि मैं शादी करूंगी। मैंने कहा, मैंने तो आपको अपने मन की सच्ची बात स्पष्ट रीति से बतला दी है कि मैं मीरा बन चुकी हूँ, मैं गिरधर गोपाल की हो चुकी हूँ, अब मैं विकारी शादी नहीं करूंगी। ओम मंडली में जाने वाली हम कन्याएं तो वासना के मतवाले पुरुष से शादी करने के विरुद्ध थी और कहा करती थी, खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई न करना, है आजकल के विकारी बने नर, क्षणिक प्रेम में फस तबाह न करना, खाते मांस मदिरा बने सर्व भोगी, ऐसे विकारी का दर्शन न करना, खोया चाल चलन है बुरी संगतों में, भल ऐसे नर का भरोसा क्या करना, करो देख ज्ञानी पति प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई न करना, स्वधर्म न भूले घड़ी एक भी जो, ऐसे पति का पल्ला तुम पकड़ना, स्वयंवर लिए खूब सोचो विचारो, सीता सती राम गले फूल धरना। परंतु हमारी पवित्रता की बात उन्हें समझ नहीं आती थी, अतः एक दिन उन्होंने मुझे अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, संजीरों में बांध दिया और मेरे हाथों पर दस्ते माना हावन वाले मारे। परंतु मेरे लिए वह अंधेरी कोठरी भी रोशन थी। उन्होंने मुझे भोजन देना भी बंद कर दिया। 2-3 दिन के बाद मुझे भूख तो अवश्य लगी, परंतु उतनी ही प्रभु से मेरी लगन तीव्रतर हुई। अंदर ही अंदर मैं प्रभु को कहने लगी, प्रभु आप तो कन्हैया लाल हैं, हम कन्याओं की रक्षा करने में आपने देर क्यों लगाई, देखो तो हम पर ये लोग कितना सितम ढाते हैं, प्रभु मेरी लाज बचा लो,
प्रभु हमें इन विकारी संबंधों की जंजीरों से छुड़ा। इसी बंधन में मैं एक विचित्र अनुभव करने लगी। विरह वेदना में डूबी मैं देह की सुध बुध भूल गई थी। मुझे अपने सामने श्री कृष्ण बंसरी बजाते हुए दिखाई दिए। बस उस सुंदर मूर्त को देखते ही मैं तड़पती हुई आत्मा तृप्त हो गई। मुझे मन में बहुत हर्ष हुआ। मुझे सूक्ष्म आवाज में वह कहते हुए मालूम हुए कि अब तुम्हारे बंधन जल्दी कट जाएंगे, घबराओ नहीं, अब मैं साकार हो चुका हूँ। इस अनुभव के साथ साथ मुझे अंदर ऐसा भी अनुभव हुआ कि मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं है। मुझे तो सब कुछ मिला ही हुआ है। मेरा शरीर पहले भी कमजोर था और निर्बल सा था, अब कई दिन भूख प्यास के कारण और भी क्षीण हो चुका था। परंतु इस साक्षात्कार के बाद अब मुझे आत्मिक शक्ति का विशेष अनुभव हो रहा था और देह की दुर्बलताएं नहीं भास रही थी। 3 दिनों के बाद द्वार खोलकर लौकिक संबंधियों ने फिर मुझसे पूछा, अब बताओ क्या सोचा है, शादी करोगी ना? देखो अपना हट छोड़ो, एक बार अपने मुंह से कह दो कि मैं ओम मंडली में नहीं जाया करूंगी और मैं शादी भी करूंगी। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने अभी तक हमें नहीं पहचाना। देखो मेरी बात सुन लो, इस लगन की अग्नि मुझ बुझने वाली नहीं है या दबाने से दबने वाली भी नहीं है। हाँ, अगर मैं इस लगन में शरीर छोड़ दूं तो मैं आत्मा तो प्रभु की स्मृति में स्थित होकर स्वर्ग के द्वार आऊंगी ही। परंतु आप एक बात कर लेना, मेरी लाश को एक बार ओम मंडली के सत्संग के द्वार के सामने से जरूर ले जाना। वे आश्चर्यचकित होकर तथा कुछ निराश, कुछ रुष्ट और कुछ क्रुद्ध होकर कहते, तुम अभी तक भी नहीं बदली, क्या तुम नहीं मानोगी? मैं कहती, देखो मैं इतनी कायर नहीं हूं जितना आपने मुझे समझा है। हम सितम सहन करने वाली कन्याएं माताएं हैं। हम वही कन्याएं माता हैं जिनके लिए कवि ने गीत लिखे हैं। अतः आप अत्याचार कर लो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमने इस ज्ञान के बल पर प्रभु के प्रेम के लिए धीरज करना तथा अत्याचार सहना खूब सीख लिया है। परंतु देखो कहीं इन अत्याचारों का परिणाम आपको ना भोगना पड़े, क्योंकि हमारे रक्षक स्वयं भगवान हैं। हमें आप पर इसलिए दया आती है कि आप प्रभु को नहीं पहचानते और हमें भी नहीं समझते, और यों ही हमें मार मार कर पाप अपने सिर पर लेते हो। उन्हें मुझे फिर जंजीरों में बांध दिया। लगभग 2 मास मेरी ऐसी हालत रही। आखिर मेरी बड़ी बहन विलायत से आई। उन्होंने मेरे लौकिक संबंधियों को कहकर मुझे जंजीरों से छुड़ाया, परंतु उसके बाद भी काफी समय तक वे मुझ पर अत्याचार करते रहे। मैं अपने लौकिक संबंधियों को कहा करती थी कि आप हमारे शरीर के मालिक हैं, परंतु आत्मा का मालिक तो एक परमात्मा ही है। अतः आप जब तक चाहे हमारे शरीरों को बांध दीजिए, परंतु आत्माएं तो ईश्वर की पुत्रियां हैं और उनके पास बिक चुकी हैं। अच्छा, यहीं पर रुकेंगे। ओम शांति।